सीधी पेशाब कांड से बैकफुट पर आई शिवराज सरकार और भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी है। पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार गुरुवार को सीएम शिवराज से मिलने सीएम हाउस पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी दशमत का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले गए, कुर्सी पर बैठाया और पीड़ित के पांव धोए, आरती उतारी और तिलक लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे शिवराज की नौटंकी बताया। भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला ने सत्ता के मद में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस, भाजपा और सरकार पर हमलावर हो गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पेशाब कांड के पीड़ित को बुलाया और उसके पैर धोए, शॉल उड़ाकर उसका सम्मान किया। शिवराज ने कहा कि इस घटना से दुखी हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप जैसे लोग मेरे लिए भगवान जैसे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद शिवराज ने कहा था कि आरोपी को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बन जाए। कार्रवाई के बाद ट्वीट किया था कि एनएसए लगाया जाए, बुलडोजर भी चलाया जाएगा, जरूरत पड़ी तो अपराधी को जमीन में गाड़ देंगे। आरोपी प्रवेश शुक्ला को मंगलवार देर रात गिरफ्तार भी कर लिया गया था, उस पर एनएसए लगाया गया है, अभी वो जेल में है। आदिवासी युवक दशमत गुरुवार को सीएम हाउस पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे हाथ पकड़कर अंदर ले गए। दशमत को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुदामा कहा और बोले, दशमत तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्या करते हैं मंडी में? हाँ, कुबेरी में मंडी में आरोपी भाजपा नेता प्रवेश के घर के अवैध हिस्सों पर बुलडोजर चला। खबर है कि आरोपी से जुड़े सीधी से बीजेपी विधायक केदार शुक्ला भी पीड़ित के घर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इधर कांग्रेस इस मसले पर शिवराज सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अपना असली चेहरा दिखाने के बाद अब इस मसले पर शिवराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते, उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर ली है, अब ये चलने वाली नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।